धुंध की ये चादर, आंखों में होती जलन और सांस लेने में तकलीफ। देश की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। दिल्ली ने एक महारिकॉर्ड बना दिया है। ये रिकॉर्ड है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होने का, सबसे जहरीली हवा देने का। दिवाली तो अभी दूर है, पटाखों पर लगा बैन है, लेकिन जमीन पर बद से बदतर हो रही ये हवा ने बता दिया है कुछ तो बड़ा वाला झोल है। और इस झोल की नींव है बेशरम राजनीति। ऐसी राजनीति जहाँ पर श्रेय लेने की होड़ रहती है, लेकिन नाकाम होते ही उस श्रेय से ही कोसों दूर भागना है। ऐसा ही हाल है राजधानी का। दिल्ली धुआं धुआं है, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। ये दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। बैठकों में अधिकारियों को निर्देश देते हैं, फटकार लगाते हैं, लेकिन प्रदूषण को लेकर जब मीडिया सवाल करती है तो सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हैं। हरियाणा यूपी की सरकार पर सवाल उठाते हैं। एक बयान में गोपाल राय ने कह दिया, हरियाणा और यूपी में जो बीजेपी की सरकारें हैं वो प्रदूषण खत्म करने के लिए गंभीर नहीं। पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, एनसीआर में डीजल वाले वाहन चल रहे हैं, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। अब इसे ही कहते हैं सहूलियत वाली शानदार राजनीति। मंत्री जी ने पराली जलाने का जिक्र तो कर दिया, लेकिन बड़ी ही चालाकी से पंजाब को उस लिस्ट से आउट कर दिया। क्या वे भूल गए या भूलना चाहते हैं कि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके अपने भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उसी पंजाब में रोज हजार से ज्यादा पराली के मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1921 पराली जलाने का रिकॉर्ड भी पंजाब ने अपने नाम किया है। यहाँ तो आलम ये चल रहा है कि अधिकारियों से ही किसान जबरन पराली जलवा रहे हैं। नेता दावा कर रहे हैं कि स्थिति सुधरी है। गोपाल राय बोल रहे हैं, पहले की तुलना में पंजाब में पराली कम जली है, लेकिन ये आंकड़े हैं जो झूठ नहीं बोलते, इनकी फितरत ही नहीं है। वैसे आंकड़ा तो एक ये भी है कि हरियाणा में पंजाब की तुलना में कम पराली जली है। बताया तो ये जा रहा है 10 गुना कम पराली हरियाणा में जलाई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं खट्टर सरकार ने कोई क्रांति कर दी हो। हालात तो खराब वहाँ भी है। इस समय खट्टर के राज्य में 16 शहर रेड जोन में चल रहे हैं। AQI तो ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हर जगह 400 AQI वाली जहरीली हवा चल रही है, यानी कि हरियाणा परेशान है, दिल्ली बेहाल है, लेकिन राजनीति एकदम बिंदास है। खुद पर एक भी आरोप न लग जाए, इसका जुगाड़ पहले से कर रखा है। जैसे ही सवाल आता है दूसरे पर उंगली उठा दी जाती है। तभी तो दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कह दिया, केजरीवाल सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। वे कहते हैं, प्रदूषण के रोकथाम में दिल्ली सरकार नाकाम रही है। जर्जर सड़कों से उड़ने वाली धूल से प्रदूषण बढ़ा है। पर्याप्त संख्या में बसें नहीं होने से लोग निजी वाहन से चलने को मजबूर हैं। पंजाब में पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। मतलब कमाल है, बीजेपी के नेता भी दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड दे दिया, पंजाब का पेश किया, लेकिन हरियाणा पर चुप्पी, यूपी की हालत पर एक शब्द नहीं। तभी तो कहते हैं मुश्किल समय में हर नेता एक जैसी बात करता है, बस पार्टी अलग रहती है। अब नेता बयानबाजी कर पल्ला झाड़ सकते हैं, अपनी सियासत में उन्हें मग्न रहने दीजिए, लेकिन हमारे पास इस समस्या के असल आंकड़े भी हैं और एक समाधान भी। जरा इन 3 सवालों के जवाब दीजिए। क्या आप अपनी गाड़ी से हर जगह जाना पसंद करते हैं? क्या आप ट्रैफिक में अपनी गाड़ी के इंजन को ऑन रखते हैं? क्या ट्रैफिक की वजह से आप घंटों जाम में फंसे रहते हैं? तीनों ही सवालों के जवाब हाँ में होंगे। पहले 2 सवाल आपकी आदत और तीसरा आपकी मजबूरी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाड़ी ने राजधानी को गैस का चैम्बर बना रखा है? कारण और भी हैं, लेकिन तमाम रिपोर्ट बताती हैं सबसे बड़ा दुश्मन तो आपकी ये गाड़ी है। ट्रैफिक में आप सभी कई बार फंसे हैं, लेकिन जब आप अपना इंजन बंद नहीं करते गाड़ी से खतरनाक गैस निकलती है, और वही गैस बाद में प्रदूषण का रूप लेती है और आपको सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। एक आंकड़ा तो ये भी बताता है, दिल्ली में कुल 60% गाड़ियां ऐसी हैं जिनके पास प्रदूषण का प्रमाण पत्र तक नहीं। इसके ऊपर सड़कें कितनी भी अच्छी बन जाएं, अगर जरूरत से ज्यादा वाहन वहां दौड़ेंगे तो जाम लगना तो लाजमी है। पूरे देश में गाड़ी रखने वाले परिवारों की संख्या में तेज इजाफा हुआ है। दिल्ली में तो हर 100 में से 20 लोगों के पास अपनी गाड़ी है, यानी कि कितनी भी मेट्रो बना लें, कितना बड़ा सड़कों का जाल बिछा दें, जब तक सड़क पर गाड़ियां कम नहीं हो जाती और जब तक इस बेशरम राजनीति का खात्मा नहीं हो जाता, इस धुएं को अपने अंदर लेते रहिए, क्योंकि भूलिए मत आप राजधानी दिल्ली में हैं। नमस्कार।